हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितने भी एसबीआई कस्टमर्स हैं, प्लीज आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एसबीआई अब हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुकी है। यानी कि हर एक यूजर्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फैसिलिटी लॉन्च किया जिसका नाम है व्हाट्सएप बैंकिंग। जी हाँ, अब आप लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप योनो एसबीआई से या फिर योनो लाइट से यानी कि एसबीआई के ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू कुछ भी करना चाहते हैं तो कभी आपको सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। बट व्हाट्सएप बैंकिंग को आने के बाद, जब से व्हाट्सएप बैंकिंग आया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है, तब से अब आपको इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, बट अब यहाँ पर बात आती है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर कैसे करूँ, कैसे मैं व्हाट्सएप बैंकिंग को इस्तेमाल करूँ। तो गाइज, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं अभी आपको रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, काफी सारे ऐसे बैंक हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो व्हाट्सएप बैंकिंग की फैसिलिटी बहुत पहले से देते आ रहे हैं, जहां पर आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और भी सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन भी मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहां पर अभी हाल फिलहाल में एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग की फैसिलिटी चालू की है जो अब हर एक यूजर्स को देखने को मिल रही है। यानी कि हर एक एसबीआई यूजर्स अब इस व्हाट्सएप बैंकिंग की जो फैसिलिटी है उसका यूज कर पाएंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना मोबाइल फोन ले लेना है और उसी मोबाइल फोन को लेना है जिस मोबाइल में आपका रजिस्टर्ड, जो आपने अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है, वो मोबाइल नंबर, वो सिम कार्ड जिस मोबाइल में लगा हुआ है, उसी मोबाइल फोन में आपको मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन करना है, ये वाला, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको स्टार्ट चैट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको टाइप करना है एक नंबर जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस नंबर को आप इस बॉक्स में टाइप कर दीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए 720। उसके बाद यहाँ पर आगे टाइप करना है 8933148, ठीक है, 8933148। इतना टाइप करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक मैसेज टाइप करना है और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मैसेज सेंड भी करना है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर नीचे में जो आपको मैसेज टाइप करना है मैंने मेंशन कर रखा है, आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है WAREG, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। और ऊपर में देखिए आपको यही मोबाइल नंबर टाइप करना है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। नोट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड कर देना है मैसेज। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया। अब कुछ देर के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, डियर कस्टमर टेम्पोरली अनेबल टू सर्व द रिक्वेस्ट, काइंडली चेक योर डाटा एंड ट्राई अगेन। तो मतलब कि यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन दोबारा से आप ट्राई कीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा व्हाट्सएप बैंकिंग। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मैंने दोबारा से मैसेज को सेंड किया है आपके सामने और यहाँ पर मैसेज आ चुका है, डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस, फॉर अकाउंट नंबर इतना, फॉर चेंजिंग द अकाउंट नंबर काइंडली डी रजिस्टर फर्स्ट SBI। मतलब कि ये अब रजिस्टर्ड हो चुका है, अब मैं आसानी से व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज कर पाऊंगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाएगा SBI की तरफ से हाई या फिर वेलकम करके। आप सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा प्रोसेस भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए, मेरे केस में अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आपके भी केस में यही प्रॉब्लम आए, रजिस्टर करने के बाद भी आपको एसबीआई की तरफ से कोई भी वेलकम का मैसेज ना आए। तो आप एक काम करना, सिंपल आपको करना क्या होगा, डायल पैड को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहां पर आपको एक नंबर टाइप करना है। डायल पैड में आने के बाद आपको ये नंबर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट यानी कि नया कॉन्टैक्ट सेव कर लेना है व्हाट्सएप बैंकिंग के नाम से। तो यहां पर मैं एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सेव कर लेता हूं, ठीक है। आपको ये टाइप कर लेना है व्हाट्सएप बैंकिंग, उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पर उस नंबर को आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ व्हाट्सएप। देखिए SBI व्हाट्सएप बैंकिंग और आपको लोगो भी दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा और देखिए यहाँ पर आपको SBI का लोगो दिख जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है। जो ऑथोराइज्ड कंपनी होती है यानी कि जो ऑथोराइज्ड होते हैं वहाँ पर आपको ब्लू टिक शो हो जाता है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग में यूज कर पाएंगे, यानी कि व्हाट्सएप बैंकिंग को आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को में मेंशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल करना क्या है,
आपको हाई सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाई सेंड किया और मैसेज उधर से आ जाएगी कुछ ही सेकंडों में कि आप क्या चेक करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं हाई लिख के सेंड किया हूँ, बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, सॉरी वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज एट द मोमेंट, प्लीज चेक इन विथ अस आफ्टर सम टाइम। यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना बैलेंस चेक कर पाओगे। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप हाई लिख करके सेंड करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा और वहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लिखा हुआ रहेगा और वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। मिलेंगे तो आपको तीन ऑप्शन, लेकिन आप वहाँ पर दो ऑप्शन का ही यूज कर पाएंगे, जैसे कि आप अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे इस व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए, मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे, निकाल पाएंगे आप व्हाट्सएप के जरिए, और साथ ही आप व्हाट्सएप बैंकिंग को डीरजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। बस यही दो तीन फैसिलिटी अभी एसबीआई ने यहाँ पर मेंशन की है, आगे भी एसबीआई और फैसिलिटी मेंशन करेगी, जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन और भी बहुत कुछ, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं यहीं से, बहुत कुछ करने वाली है आगे। लेकिन अभी जो फिलहाल इन्होंने सर्विस दिया है आपको व्हाट्सएप बैंकिंग ही बस दो ही दिया है, तो इन दोनों सर्विस को आप आसानी से व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए यूज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करें। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पर कमेंट छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी व्हाट्सएप बैंकिंग का इस्तेमाल कर सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।